हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना जैन और द क्वीन ऑफ किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दिवाली के लिए बहुत ही खास स्नैक जिसका नाम है बाकरवड़ी, जिसकी ऊपर की जो लेयर है वो बहुत ही खस्ता क्रिस्पी होती है और अंदर का जो मसाला है उसकी टेस्ट भी बहुत ऑसम होती है। तो बिल्कुल स्वीट मार्ट जैसी बाकरवड़ी आज हम बनाएंगे। लेकिन जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही नए नए आने वाले रेसिपीज आपको सीखने को मिल जाए। और साइड में जो बेल आइकॉन है उस पर भी आपको क्लिक करना है ताकि जो भी रेसिपीज मैं अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। जो बाकरवड़ी आज हम बना रहे हैं वो कितनी डिलीशियस बनकर तैयार होती है मैं आपको दिखाती हूँ। और एक बाकरवड़ी को मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी कि कितनी खस्ता बनती है। आप देख रहे हैं कि कितनी इजीली ये टूट रही है। तो इसे आप दिवाली के लिए ज़रूर ट्राई करिए। तो चलिए देखते हैं रेसिपी। बाकरवड़ी बनाने के लिए हमने एक कप मैदा लिया है, 1/4 कप हमने लिया है चिकपी फ्लावर यानी कि बेसन, मोयन के लिए 2 टेबलस्पून घी का यूज़ करेंगे, स्वाद अनुसार नमक, जीरा, तिल, खसखस, सौंफ और धनिया, इन सबको हमने 1/2 टेबलस्पून लिया है। और 1 टेबलस्पून ली है कसा हुआ नारियल, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हमने लिया है दालचीनी पाउडर, 1/2 टीस्पून ली है हमने अमचूर पाउडर, 1/4 टीस्पून यूज़ करेंगे हल्दी, 1/2 टेबलस्पून पीसी हुई चीनी और इसमें से 1/4 टीस्पून हम यूज़ करेंगे हींग और 1 नींबू का रस लिया है। हमें बाकरवड़ी के लिए डो लगाना है, जिसके लिए एक बाउल में मैदा लेंगे और उसी में हमें ऐड करना है बेसन। लेकिन बेसन हम इतना ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा सा बेसन हमें बचा कर रखना है। वो किस लिए वो मैं बाद में बताऊंगी। इसी में ऐड करते हैं 1 टीस्पून नमक, अजवाइन, अजवाइन को हमें थोड़ा सा क्रश करके डालना है हाथ पर, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और अब हम इसका डो लगाएंगे। सभी चीजों को मिक्सअप करने के बाद हम इसमें ऐड करते हैं 2 टेबलस्पून घी। आप चाहें तो इसके लिए ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि कोई भी खस्ता चीज बनाने के लिए आपको उसमें घी ही ऐड करना है ताकि वो अच्छे से खस्ता हो जाए। तो हम इसका डो बनाएंगे, बिल्कुल पूरी से भी सख्त डो हमें इसका बनाना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे। और अब हमने डो प्रिपेयर कर लिया है तो गैस पर मैं एक पैन चढ़ा देती हूँ जिसमें हमें सभी जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उसे भूनना है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ धनिया और अब हम इसी में डाल देते हैं सौंफ, जीरा, तिल और इसे थोड़ा सा भूनने के बाद लास्ट में हम इसमें खसखस भी डाल देंगे। अब ऐड करेंगे खसखस, कद्दूकस किया हुआ नारियल और इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही भून लेंगे। इसके बाद में हमें इसे मिक्सी जार में ग्राइंड करना है। ये अब अच्छी तरह से इसका एरोमा आने लगा है और ये भून गया है। अब मैं इसे मिक्सी जार में डालकर ग्राइंड कर लेती हूँ। अब हम बाकी के जो स्पाइसेस हैं इसमें मिला देते हैं। तो दालचीनी पाउडर डाल देंगे इसमें, अमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे, पीसी हुई चीनी और थोड़ा सा हींग पाउडर। अब मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। नमक भी बाकी है हमारा, नमक भी ऐड करेंगे। देखिए मैंने इसे हल्का सा ग्राइंड किया है और अब मैं इसमें थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करूंगी और फिर से इसे एक बार चलाऊंगी।
अब हमने इसे अच्छे से पीस लिया है, एकदम फाइन पाउडर नहीं बनानी है हमें, इसकी थोड़ा सा दरदरा रखना है। इसे निकाल लेते हैं एक बाउल में और अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो बेसन हमने साइड में बचा कर रखा हुआ था उसे हमें इसमें मिक्सअप करना है। अब ये किस लिए, तो इसके लिए एक सीक्रेट टिप है जो मैं आपसे शेयर करूँगी कि अगर हम इसमें बेसन को ऐड करके अच्छी तरह से मिलाकर उसके बाद में बाकरवड़ी के लिए यूज़ करेंगे तो बाकरवड़ी जब फ्राइंग के लिए पैन में जाती है तब जो ये मसाला है वो निकल कर नहीं आता, अच्छी तरह से चिपक जाता है बाकरवड़ी को, इसलिए हमने इसमें लास्ट में थोड़ा सा बेसन ऐड किया है और अच्छी तरह से इसे मिक्सअप करेंगे। और अब हम इसे रख देते हैं साइड में क्योंकि आटा भी हमारा लग गया है और ऑयल को गर्म करने के लिए गैस पर रख देंगे। ऑयल गर्म करने के लिए मैंने रख दिया है और अब जब तक के ऑयल गर्म होता है हम बाकरवड़ी तैयार कर लेंगे। तो आटा अच्छे से सेट हुआ है, अब मैं इसके दो पार्ट करके इसे रोटी की तरह बेल लूँगी। इसे ज़्यादा पतला या ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है। अब हमने इसे बेल लिया है और इसके साइड एजेस को काट कर इसे स्क्वायर साइज में कर लेंगे और साइड एजेस को हटा देते हैं और फिर से इसे एक बार इक्वली बेल लेंगे। अब हमें इस पे अप्लाई करना है नींबू पानी। लेमन जूस अप्लाई करने की वजह से जो मसाला है इस पर अच्छे से चिपक जाता है और अब इस पर स्प्रेड करेंगे मसाला। मसाला अच्छी तरह से इस पर हमने सेट कर दिया है और अब हम इसे रोल करेंगे, बिल्कुल टाइट रोल करना है हमें। इसके किनारे से इसे अच्छी तरह से चिपका देंगे। इसे हाथ से ऐसे रोल करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से दूसरा रोल भी मैं बना लेती हूँ। इसे साइड में रख देंगे। अब हम इसके कट्स लगाएंगे। इसे हमें बिल्कुल हल्के हाथों से थोड़ा सा ऐसे दबाना है। ऑयल को हमें बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, इसे बिल्कुल लो टेम्परेचर पर हमें फ्राई करना है क्योंकि कि जो लेयर है बाकरवड़ी की अच्छे से क्रिस्पी होनी चाहिए। अब हम इसे एक एक करके कढ़ाई में छोड़ देंगे और बिल्कुल सेम आंच पर हमें इसे फ्राई होने देना है। बिल्कुल हल्के हल्के बबल्स आने लग गए हैं। तो एट अ टाइम जितनी बाकरवड़ी कढ़ाई में आई है उतनी मैंने डाल दी है और बिल्कुल सेम गैस पर इसे आराम से ऐसे ही फ्राई होने देंगे। फिर से वही बात मैं आपसे दोहराऊंगी, इसके पहले भी रेसिपी में मैंने आपको बताया है कि अगर आपको कोई भी चीज़ अगर क्रिस्पी फ्राई करनी हो तो उसे बार बार उलटना पुलटना नहीं है, आराम से उसे एक साइड में फ्राई होने देना है और उसके बाद में हम उसे टर्न करेंगे। तक हम जो दूसरा रोल है उसको भी इस तरह से काट लेंगे। इसे ऐसे ही गोल गोल बनाकर रख देंगे जब तक कि ये फ्राई हो जाते हैं। अब हम इसे हल्के हाथों से टर्न कर देते हैं और एक बार कढ़ाई में डाली हुई बाकरवड़ी को लगभग 10 मिनट लगते हैं अच्छे से क्रिस्पी और खस्ता फ्राई होने के लिए। और आप देख रहे हैं कि इसका जो मसाला है बाकरवड़ी का वो बिल्कुल निकला नहीं है क्योंकि हमने इसमें बेसन ऐड किया था जिसकी वजह से वो बाकरवड़ी को चिपक के बैठता है। तो देखिए अब ये अच्छे से खस्ता फ्राई हुई है, इसे निकाल लेंगे। अब बची हुई बाकरवड़ी भी बिल्कुल इसी तरह से सिम गैस पर बिल्कुल खस्ता क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। तो देखिए मार्केट जैसी बिल्कुल खस्ता टेस्टी और परफेक्ट बाकरवड़ी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इस दिवाली के लिए इस बाकरवड़ी की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिए और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। नमस्कार।